जय हिंद भाई। हम अरुण यादव, आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 19 सितंबर से असम राइफल की भर्तियां स्टार्ट हो गई है कलर, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये 23 तारीख का अपडेट है असम राइफल दीफू सेंटर का, वहां के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले भाई, आप वहां पर जाते हैं असम राइफल में दीफू सेंटर, तो आप वहां से स्टेशन से आप लोगों को बता रहे हैं, तो वहां से 20 रुपया लगेगा। आप लोग जाएंगे दीफू सेंटर, वहां पर आप लोगों को टेम्पो उतार देगा। वहाँ से आप लोगों को लाइन लगाना है, 4 बजे से लाइन लग रही है। 4 बजे से लड़के तो लगा दे रहे हैं, 2 ही बजे से 3 बजे से लाइन लगा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से जाइए, 4 बजे से कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे टाइमिंग पर रनिंग करा देंगे। आप लोग चाहेंगे नहीं हम पहले लग जाएंगे, उसके बाद पहले ही हम लोगों की रनिंग हो जाएगी, तो भाई आप लोग इतना चिंता मत करना, इतना प्रेशर मत देना। आप लोग समय से जाइएगा, अच्छा से फ्रेश होकर सभी चीज जाकर वहाँ पर 4 बजे से लाइन में लगिए। ग्रुप 2 बनेगा वहाँ पर, 250-250 लड़कों का ग्रुप 2 बनेगा। उसमें सबसे पहले आप ये नहीं तो पहले ही ग्रुप में चले गए दौड़ लिए, नहीं, सभी लोगों का सेम होगा। कुछ लोगों का पहले छोड़ दिया जाएगा 5-10 मिनट पहले, उस लोगों का सेकंड बैच छोड़ा जाएगा। इसलिए भाई आप लोगों को जाएंगे वहां पर तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोगों को आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा एंट्री टाइम गेट के पास ही। वहां पर आप लोगों को ट्रंक में आप लोगों को बैग रख लिया जाएगा, वहां से आप लोगों को रनिंग वहीं से स्टार्ट होगी। वहीं से रनिंग 5 किलोमीटर की होगी, 24 मिनट दिया जा रहा है। उसके बाद जहां वहां पर आप लोगों की टाइपिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, वहीं आप लोगों को फिनिशिंग लाइन है। आप लोगों को वहां पर जाने के बाद से एक्यूरेट 24 मिनट तो दिया ही जाएगा, कोई कमी नहीं हो रही है असम राइफल के बारे टाइमिंग में। उसके बाद से आप लोग जाएंगे वहां पर रनिंग में, जितने भाई पास होंगे उन लोगों का ग्रुप बनेगा। ग्रुप वाइज आप लोगों को जाए वेट होगा, चेस्ट होगा, नापा जाएगा, उसके बाद हाइट नापा जाएगा। ये सब होने के बाद से जो भाई इसमें फिट हो जाते हैं, और भाई इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आप लोग यदि अलग स्टेट से है तो आप लोग भाई यदि नहीं बनवाए हैं तो आप लोग जाइए पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन में अपना अप्लाई कर दीजिए, आप लोग के पास टाइम है तो। उसके बाद आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर ही जाएं, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो जाएगा यदि आप नहीं ले जाएंगे तो, क्योंकि अग्निवीर में कितने भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया था, इसलिए और अनिवार्य हो गया है वहां पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसलिए भाई आप लोग बनवा कर जाएं, ये अनिवार्य है। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो एप्लीकेशन नंबर होता है, उसी टाइम आप लोगों को मिल जाता है, वे भी ले जाना अनिवार्य है भाई। आप लोग ये सब लेकर जाइएगा, और जो अपलोड किए हैं हाई स्कूल इंटर, उसके बाद से आप लोगों का मुख्य रूप से कलर का चल रही है भर्तियां, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट लग रहा है वहां पर, अनिवार्य रूप से ये भी ले जाना है। इसमें आप लोगों को 35 वर्ड पर मिनट मांगा है वहां पर पासिंग के लिए। यदि भाई आप इतना 10 मिनट दिया जाएगा और 350 वर्ड कर लेते हैं तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। उसके बाद से ये आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सब चीज हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब हो गया। उसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में यही करवाया जाएगा, 35 वर्ड पर मिनट। उसके बाद से हिंदी का, ये तो इंग्लिश का हो गया, उसके बाद हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद से आप लोगों का तुरंत 10-20 मिनट के बाद से रिजल्ट मिलेगा। जो भाई पास होंगे उन लोगों के लिए बोल दिया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करिए, आप लोगों के पास अब जाइए, आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। उसके बाद से आप लोगों का, और जितने भाई जो छट जाएंगे ट्रेड टेस्ट में, तो उन लोगों को भाई अब वापस आना पड़ेगा घर। और जितने भाई के पास टाइम है वे अपना टाइपिंग पर अधिक फोकस दें, क्योंकि वहाँ पर कीबोर्ड वहाँ का हार्ड है, करने में दिक्कत हो रही है। बहुत भाई बता रहे हैं, तो किसी का मतलब लक का भी है भाई, किसी का कम रहता है 33-34 रहते हैं, वह भी वहाँ पर जाकर क्वालिफाई कर देता है, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मार देता है। और किसी का 40 का भी रहता है तो भी नहीं कर पाता है, नर्वस हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए भाई यदि आप लोगों का टाइपिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग टाइपिंग पर अपना अधिक टाइम दे और अच्छे से टाइम टू टाइम करते रहे। वहां पर भी जाएं तो अपना कीबोर्ड लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों का टाइम मिलता रहेगा, तो करते रहिएगा भाई। उसके बाद ये सब होने के बाद आप लोगों को बोल दिया जाएगा, रिटर्न की तैयारी होने के बाद से आप लोगों को रिटर्न होगा, कुछ दिनों के बाद टाइम मिलेगा, आप लोगों पर मैसेज आएगा। उसके बाद यदि और कुछ भाई पूछना होगा तो मैसेज करना, हम उसका रिप्लाई देते रहेंगे। जय हिंद भाई।